नमस्कार दोस्तों, गांव किसान पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पुष्कर। दोस्तों, ये वीडियो आप YouTube के साथ साथ मेरे Facebook पेज गांव किसान पे भी देख पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ लहसुन के सेवन से होने वाले फ़ायदे के बारे में। किस प्रकार यह एक औषधीय गुणों से भरपूर है ये भी बताऊँगा। पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा सबसे पहले। तो दोस्तों, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे आपको बताते हैं लहसुन के औषधीय गुणों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, लहसुन हमारे देश की एक महत्वपूर्ण मसाले वाली फसल है। इसका उपयोग मसालों एवं जायके के लिए किया जाता है। लहसुन की फसल लगभग पूरे देश में वर्ष में एक बार रबी के मौसम में उत्पादित की जाती है। इसकी आवश्यकता घरेलू बाजार एवं विदेशों में निर्यात के लिए पूरे वर्ष होती है। लहसुन में विद्यमान पोषक तत्वों की मात्रा अन्य सभी कंदीय फसलों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। लहसुन में प्रोटीन, फास्फोरस, पोटेशियम, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा प्रजातियों के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। लहसुन का उपयोग कच्चे रूप में अथवा सुखाकर मसाले एवं चटनी के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के शाकाहारी व मांसाहारी व्यंजनों एवं अचार बनाने में, प्रमुख रूप से स्वादिष्ट एवं सुगंधित बनाने में किया जाता है। लहसुन में अनेक औषधीय गुण विद्यमान होने के कारण इसका उपयोग यूनानी एवं आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में भी किया जाता है। प्राचीन काल से ही लहसुन का उपयोग मसाले अथवा चटनी के रूप में, भोज्य पदार्थों में तथा विभिन्न विकारों एवं व्याधियों के लिए चमत्कारिक औषध के रूप में होता रहा है। अब बताता हूँ इसके औषधीय गुणों के बारे में। लहसुन का नियमित उपयोग रक्त को शुद्ध करता है। धमनियों की कठोरता एवं उच्च रक्त दबाव के समय लहसुन खाने से लाभ मिलता है। लहसुन के तेल और इसके रस की फेफड़ों की टीबी, जोड़ों के दर्द, बांझपन, नपुंसकता, खांसी जुकाम एवं लाल आँख आदि रोगों के निदान के लिए चिकित्सक प्रायः संतुष्ट करते हैं। खांसी होने पर लहसुन के रस की 5 से 6 बूंदें पीने से तुरंत आराम मिलता है। लहसुन का रस जख्मों पर लगाना भी फायदेमंद होता है। इससे घाव का दर्द कम हो जाता है। लहसुन का उपयोग एक मसाले वाली सामग्री के रूप में किया जाता है। इसकी महत्ता अनेक रोगों के लिए एक अच्छी औषध के रूप में जानी जाती है। लहसुन की कलियों को रगड़कर जोड़ों के दर्द वाले हिस्से में लगाने से दर्द कम हो जाता है। लहसुन को पानी या दूध के साथ चबाकर खाने से पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। पेट के कीड़े होने पर लहसुन की कलियों को दूध के साथ चबाकर खाने से कीड़े मर जाते हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार लहसुन कार्मिनेटिव होता है और गैस उत्प्रेरक है। यह भोजन के पचने एवं पोषक में सहायक होता है। लहसुन में पाए जाने वाले एलिसिन तत्व के कारण यह मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का परिणाम कम करता है। इससे हार्ट अटैक की आशंका नहीं रहती है। पुरानी दीर्घस्थायी खांसी एवं सर्दी जुकाम के निदान के लिए इसका प्रयोग प्रचलित है। दमा रोग होने पर लहसुन की गांठ को छीलकर शुद्ध सिरके में उबालें। ठंडा होने पर छानकर इसे शहद में मिलाएं। इसे मेथी के काढ़े के साथ पीने से लाभ होता है। थोड़ा सा लहसुन 200 ग्राम दूध और 1 लीटर पानी को भली प्रकार उबाल लें। इसे दिन में 2 से 3 बार लें। छाती संबंधी रोगों से छुटकारा मिलेगा। श्वास नली की सूजन में लहसुन को उबले दूध में पीने से बहुत ही लाभ होता है। लहसुन पाचन उत्प्रेरक व भूख को बढ़ाता है। गैस्ट्रिक रस को बढ़ाकर पाचन में सहायक करता है तथा मूत्रवर्धक के रूप में मूत्र का निष्कासन सरल बनाता है। लहसुन का रस हिस्टीरिया, उदर, साइटिका एवं हृदय रोग में बहुत ही लाभ देता है। लहसुन एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की भांति काम करता है, जो मानव शरीर में रोगों के समस्त जीवाणुओं को नष्ट करके स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है। एंटीऑक्सीडेंट की अधिकता के कारण प्याज एवं लहसुन का महत्व मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हो गया है। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।